इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे, मैं हूँ ज़ियाउर रहमान लाइफ राइजर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन दो तरह की शख्सियात के अंतर में। कौन सी दो तरह की शख्सियात? याद रखिएगा, जब भी कोई फैसला किया जाए, डिसीजन लिया जाए, या तो आप दिल से लेते होंगे या दिमाग से लेते होंगे। आप दिल से लेते हैं या दिमाग से? क्या आपको मालूम है कि आप जब भी कोई फैसला करते हो, किसी से नाराज़गी का इजहार करते हो, किसी से ताल्लुक तोड़ते हो, या किसी से ताल्लुक बनाने का फैसला लेते हो, आप जॉब करने का फैसला लेते हो या बिजनेस करने का, आप ये डिसीजन लेते हो कि मुझे स्टडी नहीं करनी या मुझे कंटिन्यू करना आगे, आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो आप दिल से फैसला करते हो या दिमाग से करते हो? ये कैसे मालूम होगा? दो ही तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, या तो आप दिल से फैसला करते हो या फिर आप दिमाग से फैसला करते हो। तो कौन से लोग हैं जो दिमाग से डिसीजन लेते हैं और वो कौन से लोग हैं जो दिल से फैसला करते हैं? आज इसी के ऊपर बात करें। उनकी निशानियाँ क्या हैं? तो आप भी अगर जानना चाहते हैं कि भाई आप दिमाग से फैसला करते हो या दिल से फैसला करते हो, इस वीडियो में इंशाल्लाह याद रखिएगा। जब भी आप फर्स्ट गेस्ट को इस तरह लेते हैं कि आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए हो, आपसे या इस तरह कह लें कि आपसे कोई गलती सरजद हो गई, आपसे कोई जुर्म हो गया, उस जुर्म के बदले वहाँ जो एक पैनल बैठता है आपके इदारे में, उसने डिसीजन देना है कि अब इसको सज़ा क्या देनी है। वो पैनल डिसाइड करेगा कि आपको क्या सज़ा दी जाए। यकीनन वहाँ पे पहले उस सज़ा, उस जुर्म की कोई सज़ा तय होगी कि जो बंदा ये जुर्म करेगा उसको ये सज़ा दी जाएगी। अब पैनल के पास चला गया डिसीजन, आप या इसको इस तरह ले लें, आप स्टूडेंट हैं, आपके यूनिवर्सिटी में कॉलेज में आपसे कोई गलती हो गई है, आपकी शिकायत हो गई है। अब वहाँ एक पैनल बना हुआ है जो ये फैसले करता है कि भाई जो गलती करेगा उसको ये सज़ा दी जाएगी। प्रिंसिपल को भी मालूम है आपके, या वाइस चांसलर है उसको भी मालूम है। अब जो उस पैनल का हेड है उसके, उसने डिसीजन करना है। वो पैनल का हेड अगर आपको आपकी असल सज़ा से कम सज़ा देता है, उसने दिल से फैसला किया, और अगर वो वैसी ही सज़ा देता है जैसी लिखी है तो उसने दिमाग से फैसला किया, ये कैसे होगा? वो ऐसा कैसे कहा जा सकता है? वो इसलिए अगर उसने आपको सज़ा कम दी है तो उसके दिल में चल रहा है नहीं, बच्चे का नुकसान हो सकता है, बच्चे को अगर ये सज़ा दी तो मुमकिन है इसका करियर ख़राब हो जाए, बच्चे को एक मौका देना चाहिए, इसलिए उसने उस सज़ा से कम दी, उसके दिल का फैसला था। दिमाग ऐसे फैसले नहीं करता, दिमाग कहता है नहीं, जो लिख दिया गया है वैसा ही होना चाहिए। सब के लिए एक ही रूल होगा, जो ये गलती करेगा उसको वैसी सज़ा मिली जाएगी जो सब के लिए एक जैसी होगी। लेकिन दिल कहता है नहीं, इसके हालात देखने पड़ेंगे, इसके मामला देखने पड़ेंगे, इसकी बैकग्राउंड देखनी पड़ेगी। दिल इमोशन बेस्ड डिसीजन लेता है और दिमाग लॉजिक बेस्ड डिसीजन लेता है। जब जब आप कोई फैसला करते होंगे और उसमें दलाइल ढूंढते होंगे ना, तो आप दिमाग से फैसला करते हैं, आप दिमाग की मानने वाले लोग हैं। अगर आप चाहते हैं, आपको आपको बंदा आके आपसे कहे कि यार मेरे साथ बहुत बुरा आज हुआ, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत, और अगर आप कहें अच्छा मुझे बता तफसील से क्या हुआ, सच सच बता, सबूत बता तेरे साथ ही ऐसा हुआ, कोई दलील बता, कोई गवाह ढूंढ के ला, फिर मैं मानूंगा कि तेरे साथ, तेरे घर के वालों के साथ, या तेरे साथ कोई गलत हुआ, कोई हादसा हुआ। अगर आप दलाइल ढूंढने वाले हैं, सबूत मांगने वाले हैं, तो आप दिमाग से फैसला करें, और अगर आप इमोशन से उसकी फीलिंग को समझ के डिसीजन लिया है तो आप दिल से फैसला करने वाले हैं। आप दिल से फैसला करें या दिमाग से फैसला करें, कोई बेहतर नहीं है ना कोई कम कर, ये तो बस आपको ये बताने के लिए वीडियो बनाई, आपको मालूम होना चाहिए आप दिल से फैसले करते हैं या दिमाग से करते हैं, आप एहसासात के साथ चलते हैं या दलाइल के साथ चलते हैं। अगर दलाइल मांगते हैं, दलाइल ढूंढते हैं, लोगों के कामों में खामियां तलाश करते हैं, वजहें तलाश करते हैं, तो फिर यकीनन आप दिमाग से फैसला करने वाले हैं। और अगर इमोशनल हो के आप डिसीजन लेते हैं, अगर आप लोगों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करके डिसीजन लेते हैं, अगर आप लोगों का अच्छा सोचते हैं, लोगों का काम भी अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, तो फिर आप दिल वाले हैं, फिर आप दिल से काम लेते हैं, दिल की सुनते हैं, आप दिल की सुनते हैं, दिमाग की सुनते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल।